नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं पहले सबसे पहले अपना चैनल का इंट्रो दे रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया। एकमात्र चैनल है, दूसरा चैनल मैंने बना था शाह चढ़ना मना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं था अतः मैंने उसको एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। इस चैनल में आपको मिलेंगे भूत प्रेत तंत्र मंत्र की सच्ची कहानियाँ जो कि मैंने अपने जीवन में किया। दूसरा जो है, मैं तंत्र की गुप्त साधनाओं के बारे में बताता हूँ और लोगों को बताता हूँ, लोगों को करता हूँ। मेरे चैनल, मेरा दूसरा जो है वेबसाइट है वो है wordpress.com। उसमें भी मैं देता रहता हूँ, फेसबुक पे भी देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम में भी देता रहता हूँ, तो लोग पसंद भी करते हैं वो करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। नवरात्रि का है और बस 17 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है, वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप जो है भगवान शंकर के विषय में सुनिए। शिव जी हर हर महादेव, ये शमशानाधिपति भी हैं और जो है पूजनीय है सभी देवताओं में, उनके बराबर कोई नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के नंबर एक, ये आपने चांदनी का फूल देखा होगा। चांदनी का फूल सफ़ेद रंग का होता है और जो है सुदर्शन चक्र जैसा दिखता है। ये अत्यंत प्रिय है, जिसको जड़ी बूटियों की दुकान पर तगर भी कहा था, जो कि हवन सामग्री में डाला जाता है। तगर का पेड़, उसमें चांदनी, उसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, वही चांदनी कहलाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है, सब जगह मिलता है। सबसे पहले शिव जी का कल सोमवार है, आप ऐसा करिए 12 चांदनी के फूल दे दीजिए। हर फूल पे आप शिवाय वशाय, शिवाय वशाय, शिवाय वशाय, शिवाय वशाय, इस तरह से 12 बार हर फूल पे शिवाय बसाए, शिवाय बसाए करके फूक मारिए, ठीक है ना। और जो है तो 12 फूल पे 12 करेंगे तो 12 को 12 से गुणा करें, हमारे ख्याल से 144 आता है। तो इन 12 फूलों को ले जाके कुछ नहीं करना, शंकर भगवान पर जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक है ना, और दही का अभिषेक, जैसा भी आप करना चाहे करके इन 12 फूलों को लेके उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। बस प्रणाम करके घर चले आइए। देखिए, मैं जो कुछ भी आज बताऊंगा, ये मैंने बहुत से संत महात्माओं का प्रवचन सुनता रहता हूं। लोग तो प्रवचन सुन के घर चले जाते हैं, लेकिन मैं काम की बातें नोट कर लेता हूं। ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये उच्च कोटि के जो संत महात्मा हैं, चाहे वो साउथ के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे कहीं के भी हों, चाहे बागेश्वर धाम के हमारे पूजनीय वो हैं बाबा जी हैं, या जो है किसी भी मतलब उच्च कोटि के जो संत हैं, उन्हीं के मैं प्रवचन सुनता हूँ और उनमें से जो जरूरी बातें होते हैं नोट कर लेते हैं वो आपके सामने, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रवचन ही सुनते हो। तो ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का नंबर एक। नंबर दो, घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, व्यापार में अवरोध, ये सब आ जाता है। इसके लिए आप जो है सबसे पहले क्या करिएगा, 5 तरह की लकड़ियों को आप जो है जुगाड़ करिएगा। पीपल नंबर एक, पीपल नंबर दो, खैर नंबर तीन जो होता है बेल, नंबर चार बेर, ये आपको इकट्ठा करना है। और नंबर पाँच जो कि सर्व सुलभ है, आम की लकड़ी, ठीक है ना। तो आम, पीपल, खैर, बेल और बेर, इनकी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए। और जो है घर में एक किसी हवन कुंड या किसी से उसी में इसको पहले कपूर रखिए, थोड़ा सा लौंग रखिए और उन लकड़ियों को रखिए, उसको घी से जरा सा तर कर दीजिए और कपूर में आग लगा दीजिए। और आप अपने पास पहले से ही हवन सामग्री रख लीजिए, किसी भी इष्ट का मंत्र पढ़ते हुए आप उस हवन सामग्री को उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जो धुआं उठेगा, थोड़ा सा डालना हो धुआं उठेगा, फिर उसको पूरे घर में दिखा दीजिए,
ये तो हो गया, आपका घर से नेगेटिविटी तुरंत दूर हो जाएगी, समझे ना। आम के पत्ते, आम के पत्तों को आप जो है एक काले धागे में पिरो के, जैसे शादी विवाह में बंधन बाल लगाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी नेगेटिविटी घर में अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो है तीन चीज़ें मैंने बताई। चौथी चीज़ जो है ये भी मेरा प्रवचन, मेरा अपना ज्ञान नहीं है, प्रवचन सुना हुआ है, बहुत सा पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट होता है वो भी देखता रहता हूँ, उसमें बहुत उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, वो आते हैं, और एक पॉडकास्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है, रियल हिट। उनमें जो उच्च कोटि के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वास्तुविद होते हैं, और जो है मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो जो बताते हैं उनको भी ध्यान से सुनता हूँ पाठकों के लिए, उसे मैं नोट कर लेता हूँ। वो तो एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि उन्होंने जो है घर में नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा आप जो है नमक, पिसा हुआ नमक ले लीजिए, शुद्ध पिसा हुआ नमक हो, और वो भी सफ़ेद रंग का, और शीशे के चार बाउल ले लीजिए, ठीक है। चार बाउल में नमक को भर दीजिए, भरने के बाद उसको जो आपका मेन एंट्रेंस वाला कमरा है उसके चारों कोनों में रख दीजिए, ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप एक दो दिन बाद देखिए, यदि नमक वैसा ही वैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नमक किसी एक बाउल का भी नमक पिघल के पानी बन जाए तो उस पानी को फेंक दीजिए, क्योंकि वो जो है नेगेटिविटी की जड़ है। उस नमक जो होता है एक ऐसा होता है कि वो मतलब घर की सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है, तो चारों कोनों में, या चारों कोनों में यदि पानी बन जाए तो बस आपका काम हो गया, आप जो है चारों कोनों का पानी, नमक वाला पानी किसी मतलब दूर दराज के इलाके में किसी पेड़ के आसपास फेंक दीजिए, ठीक है ना, आपसे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये तो नमक का है। दूसरा नमक का, वो भी मेरा किसी के बहुत ही विद्वान हैं, उनके मुँह से सुना हुआ है, शायद साउथ के हैं वो, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा। आपके ऊपर यदि, अभी मैं दो लोगों से करा रहा हूँ, क्या होगा नहीं जानता हूँ, आप ये जो खड़ा हुआ नमक होता है, ढेले वाला नमक, जो पहले हम लोग बचपन में खाते थे, माँ पीस के जो है नमक को नमकदानी में भर के रखती थी, उस नमक को आप बाज़ार से खरीद लाइए। बाज़ार से खरीदने के बाद उसको छोटे छोटे बहुत महीन महीन टुकड़े कर लीजिए, और उसको मिक्सी में या जैसे सिलवट्टे में, जैसा भी आप चाहें, उसको सिलवट्टे में ज़रा मेहनत लगेगी, मिक्सी में आप महीन सा पीस लीजिए, उसको आधा किलो ले आइएगा। उस आधा किलो नमक को, पिसे हुए नमक को एक मिट्टी के पात्र में भर दीजिए, समझे ना, मिट्टी के पात्र में भर के, और उसके ऊपर जितना आपका जो है अमाउंट है कर्जे का, उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप जो है उसको, ये आपको करना पड़ेगा शुक्रवार के सुबह, बृहस्पति को सब आप नमक वमक पीस के हटाए, शुक्रवार के सुबह नहा धो के इसको मिट्टी के बड़े जिसमें दही जमाता है कुंडे में, या आपके घर में कांसे की थाली हो या पीतल की थाली हो, स्टील नहीं चलेगा, अल्मोनियम नहीं चलेगा, उसमें भर लीजिए दवाला, और उसके ऊपर उंगली से आप मोटा मोटा सा जितना रकम है, तो जैसे 5 लाख का आपके ऊपर उधार चढ़ा है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो 5 लाख लिख के शुक्रवार को नहा धो के उसी जिस पात्र में आपने नमक भरा और लिखा है उसको देवी जी के चरणों में रख दीजिए, ठीक है ना, और उसको वैसे उसको छुए ना, इसको कैसे सबको इलाज दे दीजिए, उसको कोई छुए ना नहीं। शनिवार के सुबह देखिए, शनिवार के सुबह जब नहा धो के आप जाएंगे पूजा घर में पूजा करने, तो आप देखेंगे आपने जो अमाउंट लिखा था वो वैसे ही वैसा है कि नहीं। यदि वो वैसे ही वैसा है तो आपको 11 दिन तक उसे जो है मतलब माँ के चरणों में ही पड़ा रहने दीजिए। 12वें दिन आप क्या करेंगे, एक छोटी सी मटकी ले आइए जिसमें आधा किलो नमक भर जाए, तो मटकी कम से कम 1 किलो की तो होनी चाहिए, जिसमें वो नमक जो पीस के आपने लिख के रखा है उसको भर लीजिए, उसको लाल कपड़ा डाल के कलावा से अच्छी तरह बांध लीजिए, और फिर पूजा करने के बाद आप उस मटकी को उठाइए, उठा के
आप जो है किसी बहते जल में, चाहे आपके घर के पास नहर बहती हो या नदी हो या समुद्र हो, तो आप, क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर तो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, तो आप जो है बहते जल में उस मटकी को डाल दीजिए और साथ साथ प्रार्थना कीजिए कि माँ से कि माँ मैंने इस पे अपना जितना मेरे पर ऋण है, मतलब कर्जा है, वो मैंने लिख दिया है और मैं इस मटकी को, आप मटकी को लेके आपके बहते जल में प्रवाहित कर रहा हूँ। जिस तरह से ये मटकी उस नमक को बहाते हुए ले जाएगी, उसी तरह से आप जो है मेरा जितना भी कर्जा है वो आप बहा के ले जाइए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके यदि कोई ग्रह दोष बहुत बड़ा ना हो या पितृदोष या काल स्वर्प योग इत्यादि ना हो, तो आपका जो 11 दिन आपने रखा, इसे 11 दिन के अंदर ही अंदर आपका ऋण चुकता हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऋण चुकता करने के लिए कोई पैसा ऊपर से भगवान आपको पोटली बांध के देंगे नहीं, तो 11 दिन में चुकता हो जाएगा। अन्यथा इंतजार कीजिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अच्छा, ये फिटकरी, एक फिटकरी वाला मामला है। फिटकरी आपने देखी होगी बाज़ार में, गुलाबी रंग की फिटकरी मिलती है अधिकतर जो है, जो हमारे मतलब हेयर ड्रेसर हैं वो रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद कट जाए तो उस पर लगाते हैं। वो फिटकरी बाज़ार से गुलाबी रंग का खरीद लाइए, उसके 4 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करके अपनी धर्मपत्नी से कहिए तवे पर इसको भून लें, तो गुलाबी फिटकरी सफ़ेद हो जाएगी, ठीक है ना। उस सफ़ेद हुई फिटकरी को थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर जो है घर के चारों कोनों में, घर कमरा नहीं, घर जहाँ आप रहते हैं उनके चारों कोनों में वो फिटकरी डाल दीजिए और उसको उठा के जो है आप क्या करेंगे कि जो है एक लाल रंग के कपड़े में बांध के, पोटली बांध के, और उसको अच्छी तरह से बांध के उसको किसी ब्यावन जंगल में या बहते जल में उसे डाल दीजिए, आपके घर से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। समझे ना, तो एक तो आपको लकड़ी वाला बताया, दूसरा नमक वाला बताया कर्जा दूर करने के लिए, तीसरा आपको ये फिटकरी वाला बता रहा हूँ। ये चीज़ें करने से बहुत, अब एक और भी हमारे दिमाग में आ रहा है जो कि मैं आपको बताऊँ, ये शंकर जी का है, तो उसका जो है आप पीपल के पत्ते पर राम 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 लिखिए हल्दी से, लिखने के बाद उन पीपल के पत्तों को ले जाके शिवलिंग पर एक एक करके जिस तरह राम लिखा वो भगवान शिव के शिवलिंग पर रख के और भगवान को कहिए सर्वस्व आपका अर्पित है, भगवान आप जो है मेरे दुग्ध देवता को दूर करिए। ऐसा करते हैं जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक या घी का अभिषेक या दही का अभिषेक या शहद का अभिषेक, जो भी करना चाहे वो करिए। इस तरह से आप जो है कम से कम 11 पत्तों में राम राम लिख के भगवान को अर्पित करिएगा। इससे आपका ऊपर कर्जा, घर का कला कलेश, बेटे बेटे पढ़ाई ना कर रहा हूँ, सब में फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये है कुछ चीज़ें जो कि मैंने विभिन्न धर्माचार्यों से, संत महात्माओं से, उच्च कोटि के संत महात्माओं से, महात्माओं से, और पॉडकास्ट से या सोशल मीडिया पे जो भी संत महात्मा प्रवचन देते हैं उनके उनके क्षणिक बात को मैं तुरंत नोट कर लेता हूँ, जो मेरे काम की होती है और आप सबके सामने कर रहा हूँ। अब आ गया एक माँ धूमावती का। माँ धूमावती तो जानते हैं दरिद्रता की देवी होती हैं और इनको शनिवार बहुत प्रिय होता है, समझ ना। लेकिन ये शत्रुओं को मार भगाने में बहुत ही सक्षम होती है। आप क्या करेंगे कि 1008 पीपल के पत्तों को इकट्ठा करिए। पहले तो बहुत ज़मीन पर पड़े मिल जाते थे सूखे सूखे, अब तो खैर उनमें हरे हरे पत्ते आ गए हैं, तो पीपल के पत्तों को आप किसी तरह से जाए खरीदिए, क्योंकि बकरी को, बकरी सब अभी ईद वगैरह निकली है तो बकरी बेचने वाले जो है बकरियों को खिलाते हैं, तो उनसे आप खरीद लीजिए 1000 पीपल के पत्तों को। उनको कहिएगा नहीं, बस आप अंदाज़ा लगाइए कि 1008 पीपल के पत्ते मिल जाएंगे तो आप पूरी पूरी डाल करें, क्योंकि कहेंगे तो 11000 20000 ऐसे मांगेंगे, जानते हैं ना मुसीबत में सभी जो है साथ छोड़ देते हैं।
तो उनसे आप ले लीजिए, उनको 100-150 रुपये जो देने हैं दे दीजिए, या स्वयं तोड़ लीजिए। गांव देहात के लोग तो तोड़ सकते हैं। उन पीपल के पत्तों को लेके धो के उसको जरा सा हवा में सुखा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, माँ धूमावती के मंत्र का जाप, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। ये माँ, ये महामंत्र है माँ धूमावती का, इनको आपको जाप करना है ना। 5 माला जाप करेगा, माँ धूमावती की पूजा करेगा, उसके बाद हवन के रूप में आम की लकड़ियों को सजा के कपूर से अच्छी तरह, घी से अच्छी तरह, देसी घी से अर्पित करके, मतलब उसको रख लीजिएगा। फिर एक पात्र में आप दूध और जल और घी अच्छी तरह से मिला के, और चाहे तो पंचामृत बना लीजिए, यदि आपके पास दही है और शहद है तो जल दूध घी शहद इन सबको मिला के रख लीजिए। फिर एक एक पीपल का पत्ता उठाइए और उसको उस पंचामृत मिले हुए, हाँ घी जरा ज़्यादा डालिएगा, उस पंचामृत मिले पानी में डुबो के और इस मंत्र को पढ़िए, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा, तो स्वाहा कहते हैं उन पत्तों को डाल दीजिए। इस तरह से आप खुद देखेंगे और मन ही मन शत्रु की कल्पना कीजिए कि आपको बहुत परेशान कर रहा, लोग मुझको बहुत पैसे का ऑफर करते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं, इनको मारण करना है, बाबा जी जितना चाहें पैसा ले लीजिए। लेकिन ये बाबा टस से मस नहीं होता, क्योंकि बाबा जानता है कि मारण क्रिया करने से मेरे घर में भी यही क्रिया हो सकती है, मतलब कोई मेरा अपना प्रिय जान से हाथ धो बैठा, भले मैं ही क्यों ना। इसलिए इस मारण क्रिया को मैं करता नहीं हूँ। तो लोगों का इतनी शौक है शत्रु से छुटकारा पाने का, तो इस माँ धूमावती के इसको करिए, समझ ना। फिर और कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये लड़कियाँ, यंग एज की लड़कियाँ होती हैं, अपने अंडरगारमेंट्स को धो के बाहर सूखने के लिए डाल देती हैं। और पहले तो हम लोग की माताएं बहनें जो होती हैं अंडरगारमेंट्स को किसी और कपड़े से ढक के सुखाती थी, समझे ना। लेकिन अब तो लड़कियाँ ये सब मानती नहीं हैं, अंडरगारमेंट्स लिया जाए, हॉस्टल में रह रहे कहीं रह रही बाहर सूखने के लिए डाल दिए। आप जानते हैं अंडरगारमेंट्स से क्या हो सकता है, यदि किसी सिरफिरे आशिक ने आपकी शादी ना हुई हो या कोई आपके परिवार का कोई आपसे चल रहा हो, तो वो अंडरगारमेंट्स आप पर तीव्र जो है या तो आपका कोक बांध देगा और या तीव्र वशीकरण करेगा, जिससे आप जो है, और इससे बहुत जल्दी वशीकरण होता है। तो उससे बचने के लिए आपको अंडरगारमेंट्स, जैसे कि हमारे प्राचीन काल की माताएं बहनें करती थी, अंडरगारमेंट्स को किसी चीज़ से, मतलब जो अपने कपड़े भीगे हुए हो साड़ी ब्लाउज को, उससे ढक के रख देती थी, है ना, जैसे दूसरों की निगाह ना पड़े। वो बहुत सावधानी से अंडरगारमेंट धोइए, सुखाइए, अपने नज़र में रखिए। इन्हें आपने सूखने डाल दिया, फिर आप अपना पढ़ाई करने इंस्टीट्यूट या कोचिंग कहीं चले गए और फिर आपको ध्यान ही नहीं रहा, उसे बीच में किसी ने पार कर दिया। हॉस्टल की लड़कियों को ये विशेषकर। दूसरी बात, यदि आपकी शादी होने जा रही है और शादी का जो है आप सब, मतलब एक होती है हिंदुओं में हल्दी की रस्म, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस हल्दी की रस्म के कपड़ों को लोग बाग जो है, जो नाउन होती घर की या बर्तन मानने वाली होती है उसको दे देती है हल्दी लगे कपड़े को, वो अपना यूज कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नाउन या बर्तन मानने वाली जिसको आपने हल्दी की रस्म के दिया, आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन ताड़े रहता है कि किसको दिया गया, और वहाँ से वो हज़ारों रुपए खर्च करके उस साड़ी ब्लाउज अंडरगारमेंट्स जिसमें हल्दी सब लगी होती है उनको वो उससे ले लेता है। फिर ये दुष्ट बहुत भयंकर जो तांत्रिक होते हैं सचमुच के, वो जो है उन तंत्र क्रिया करते हैं, उससे क्या होता है आपका कोक बन जाता है, आपके घर में प्रेत आ जाता है, आपकी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ही चौपट हो जाती है, समझे ना। इस तरह से जो शादी के समय वरमाला पहनाई जाती है हिंदुओं के क्या खास कर वरमाला, बड़े बड़े फूलों से, वो आप लोग ऐसे फेंक देते होंगे हमारे ख्याल से, है ना, वरमाला हुआ, या जो हिंदुओं में
विशेषकर बंगालियों में तो मैंने देखा बड़े बड़े टोपोर बांधते हैं, मतलब मुकुट टाइप का, लड़कियां भी रानी जैसे एक वो बांधती है क्राउन, मतलब है ना। अब इसको तो आपने रख दिया, इन केस इसको किसी ने आपके घर से चुरा लिया, फिर तो आप समझिए कि लड़का हो या लड़की आपके घर में आफत आ गई, आपकी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी, ये मेरा कहना है। इसको आप जो है बहुत ही सावधानी से रखिए, बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हल्दी की रस्म के कपड़े से बहुत तगड़ा टूना टोटका होता है, बरमाला से भी होता है और मुकुट से भी होता है। इनको आप सावधानी से रखे रहिए, जब तक आपके परिवार में जब तक उसको रखा जाता है, फिर उसको सावधानी से नदी में विसर्जित कर दिए, क्योंकि नदी जो है, जल जो है, सभी व्याधियों को और सभी तरह के दुश्चिंताओं को, सभी तरह के नेगेटिविटी को नष्ट कर देता है। फिर यदि आप सो रहे हैं और आपकी नींद 3 बजे खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही, तो उठ के बस क्या करिए कि बिस्तर पर बैठ के आप जिस भी भगवान की, जिस देवी की, जिसकी किसी की भी पूजा करते हो, उसका मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं 3 बजे हमारे चारों तरफ ये अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं, मतलब भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका वो आते हैं, तो इसलिए ऐसा करिए। हाँ, 3 से 5 के बीच में समय बहुत ही शुभ होता है, उठ के दिन नहा के पूजा कर सके तो सो फार सो गुड, है ना। ये मैं सब प्रवचन सुनता रहता हूँ, ये हमारा अपना ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मैं दूसरों से लिया है, इसलिए सर मतलब ये कोई ना आरोप लगाए कि ये चीज़ मैंने उनसे चुरा के रखी। मैं सभी पॉडकास्ट वालों का, सभी विख्यात एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुविद, उनका मैं बहुत ही जो हूँ सम्मान करता हूँ, और उन्हीं के प्रवचन को लोग ऐसे रख लेते हैं पॉडकास्ट सुन के, लेकिन मैं नोट कर लेता हूँ। फिर जो है एक आप चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा खरीद लीजिए, पतला हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसको हमेशा पर्स में या जेब में रखे रहिए, इससे आपके व्यापार में बहुत ही उन्नति होगी और सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। चांदी का टुकड़ा चौकोर हो, पतला सा चौकोर हो, जेब में रखा जा सके आसानी से, या पर्स में, उसको आप हमेशा रखें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, विशेषकर जो है आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने जो है जीवन में इसको प्रयोग करिए, सफलता मिल जाए तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इनको देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। अभी मेरे करीब 2 शिष्य जो हैं धंधा यक्षिणी की पूजा कर रहे हैं, मेरे 2 शिष्य धंधा यक्षिणी की पूजा करके धन के मामले में बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। एक है मदन सुपुई, दूसरे हैं अभिजीत भट्टाचार्य। अब जो है लेकिन इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की, बहुत ही हाई फाई होने चले थे, बहुत धनी धन आ रहा था, लेकिन कुछ उन पर व्यवधान आ गया तो वो कमी हो गई, इसलिए मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस साधना को फिर से करें, शायद आपसे कोई गलती हो गई या आपने एक माला जो मैं कहता हूँ अनुष्ठान के बाद रोज जाप करना चाहिए वो आपने छोड़ दिया होगा। तीसरा मेरे एक हैं कृष्ण पारिक, ये हनुमानगढ़ राजस्थान के हैं, ये बेचारे जो हैं एक टैक्सी ड्राइवर थे, इनको इनके मालिक ने निकाल के बाहर कर दिया, इन्होंने हमसे अपना दुखड़ा धोया, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे शिष्य भी हैं, तो मैंने उनको जो है बताया कि धंधा यक्षिणी की साधना करो, और उन्होंने सब सामान धंधा यक्षिणी साधना का मन बना लिया, सब सामान इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके बस वो पूजन को रात में करते 11 बजे के बाद, और अचानक क्या हुआ कि उनके पास फ़ोन आया, जिस मालिक ने उनको बेदर्दी से निकाल के बाहर कर दिया था, वो सालों से जो है बेकार घूम रहे थे, उसको उन्होंने नौकरी पर रख लिया, ठीक है ना। और जो है वो इस समय धंधा यक्षिणी की पूजा कर रहा है, क्योंकि उनकी जो है सुबह की ड्यूटी होती है या कभी नाइट की ड्यूटी होती है, तो वो 9:30 बजे से करते हैं बजाय 11-12 बजे से, 9:30।
वो उनका कहना है कि अभी तक कोई मतलब वो मेरे सामने आए नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, यक्षिणियाँ, किन्नरियाँ, गंधर्वियाँ, योगनियाँ, ये आपके कहने से नहीं आएंगी, आपके मन के वशीभूत तो आएंगी, आपके चारों ओर आएंगी जरूर, अनुभव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप उनको साक्षात देखें नहीं। क्या करें तो जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं उसकी आप म्याद बढ़ा दीजिए, समझे ना, वो जरूर 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 आपके सामने आएगी। अभी एक हमारे कृष्णा हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, वसई ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ रहते हैं और किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो लाल परी की साधना कर रहे हैं, सुलेमानी लाल परी, मेरे ही बताए दिखा दिशा निर्देश, उनको बहुत ही विचित्र विचित्र अनुभव हो रहा है। तो आप जो हैं उन अनुभवों को कभी उन्होंने वीडियो भेजा तो मैं आपको दूंगा, उनको देखिए और सुलेमानी लाल परी की साधना करना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट करके मेरे नंबर पर 9616205263 मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सलाह देता हूँ। हाँ बस ये है सर कि आप गुरु दीक्षा लीजिए, क्योंकि उसके बाद की जिम्मेदारी, अनुष्ठान करने के बाद, अनुष्ठान के समय सारी जिम्मेदारी मेरी ही होती है। और ये भी नहीं कि जैसे YouTube में गुरु बनाने के लिए लोग फ़ोन करते हैं तो धर से मांग करते हैं, देखते भी नहीं कि सामने फ़ोन करने वाला कैसा है, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे मांगते हैं गुरु दीक्षा देने के। मैं तो भैया कहता हूँ जो आपके जेब में है, जिससे आपके घर में कोई परेशानी ना हो, आप उसी का पान खा के थूक देते हो, दिन भर में चाय पी के वो करते हैं, भैया वही गुरु दक्षिणा मुझको बचा के रखे, वही गुरु दक्षिणा दे दीजिए। मैं ना कोई लोभी हूँ ना कुछ हो, हाँ पैसे का लोभ तो सबको होता है, लेकिन मैंने अपने को काम, क्रोध, मद, मोह, जितने पांच विकार हैं उनमें कंट्रोल करने का मैं साहस रखता हूँ और साहस रखता हूँ करता भी हूँ, ठीक है ना। इसी के साथ इस अमर वाणी जो कि मैंने विभिन्न पूजनीय संत महात्माओं से या अपने इस पूरे जीवन काल में या YouTube पे पॉडकास्ट देख के या धार्मिक प्रवचन सुन के बड़े बड़े संत, ये जो है जो आप लोग प्रवचन सुन के घर चले जाते हैं, लेकिन मैं नोट कर लेता हूँ और वो आपके सामने पेश किया। आशा करता हूँ ये उच्च कोटि के संत महात्माओं या उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजिस्ट या उच्च कोटि के न्यूमरोलॉजिस्ट उसका। अंत में आपको एक बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कि पैसों की भार मार करता है, मैंने खुद प्रयोग किया है और सच में पैसे आने लगते हैं कहीं से भी आए, ऐसे आने लगे थे कि पूरे इंडिया से हर स्रोत से मेरे पास जो है रोज़ बेचारा थक जाता होगा कुरियर वाला, थक जाता है स्पीड पोस्ट वाला, मेरे को पैसों से भरा कुरियर या जो है वो एनवलप दे जाता था। इतने पैसे नहीं होते थे कि आप मतलब सोचने लगे कि बाबा जी लाखों में कमा रहे, ये नहीं, जिसकी जो मर्जी 501, 1001 या 101 जो भी देता है ऐसा देता था। वो है कौन बसे का, कौन बसे का, कौन बसे का, ये वो एक इटालियन शब्द है। ऐसे तो भाई ये आपके मेंटल मतलब जो डिसबैलेंस है उसको ठीक करने काम आता है, लेकिन ये वायरल इसलिए हो रहा है कि पैसा आता है कौन बसे का। ये भी किसी एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर है, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी, उन्होंने बताया था। तो कौन बसे का, कौन बसे का, कौन बसे का, दिन भर में 51 बार जाप कर लीजिए। दूसरा जो है किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी बनती नहीं है, तो जो है बस एक संस्कृत का शब्द मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, इसको करिए। आपकी पत्नी आपको विवाह के बाद जैसे आपसे आपके ऊपर लट्टू हो गई थी उसी तरह से आपसे प्रेम करने लगेंगी। और यदि पति बहुत ही हरामी चीज निकला मतलब जो है वो, तो आप क्या कहेंगे। तो औरतों के लिए बता रहा हूँ कि वो अपने पति को पहले एक तरह प्यार करने वाला बनाने के लिए मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या करिए, जैसे घर से कला कलेश मिट जाएगा।
और ये अलग बात है कि आपके ऊपर यदि कोई गृह दोष हो, पितृ दोष हो, सर्व काल सर्प योग हो, राहु केतु का हो, तो शायद पहले उसको शांत करा दीजिए, फिर ये करिए। फिर है घर में बच्चों में बनती नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा घर में को कलह कलेश उठक पटक होती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो है भगवान राम का रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय इसका जाप करना, सिर्फ दो शब्दों का रामाय रामभद्राय। और यदि कर सके तो जो हम लोग कल्पना करते हैं रामराज की, तो रामराज की कल्पना करने, घर में रामराज हो तभी तो बाहर रामराज हो, देखेंगे हम तो रामराज 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 इसका जाप करिए। भगवान हनुमान जी सुनते सबकी हैं, करते भी सबकी हैं, और वो सीधे प्रभु भगवान श्री राम को जाके आपका संदेश देंगे। ये भक्त तो दिन भर रात भर रामराज रामराज करता है, या राम भद्राय रामाय राम भद्राय राम भद्राय जाप करता है, प्रभु इसकी विनति सुन लीजिए, इसके घर में सब ठीक कर दीजिए, अवश्य ही भगवान राम कृपालु होंगे और आप सबको जो है बहुत ही दया करेंगे आपके ऊपर, आपके घर में सब सुख शांति हो जाएगी। मुस्लिम भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए, और उसके लिए बस यही है, सिख भाई वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करें, वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सत श्री अकाल। मुस्लिम भाइयों के लिए अभी मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, वो भी किसी समय बता दूंगा। मुस्लिम भाइयों आपको जो ईद बीत चुकी है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो, और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग लिए नवरात्रि है, कृपया मांसाहार का प्रयोग न करें, शराब न पिए, और माँ की स्तुति करें और माँ की पूजन करें, बस आपके घर में सब सुख शांति माँ ही देंगी। तो एक अंत में मैं कहता हूँ, दो दिन का मेला रहेगा अकेला, पर जाएगा कहाँ शमशान। दो दिन का मेला रहेगा तो अकेला, पर जाएगा कहाँ शमशान। सब कुछ यहीं छोड़ के हमको अग्नि में अपने को भस्म करना है, अतः गंदी आदतें छोड़िए। जो भी साधु संत प्रवचन देते हैं, पॉडकास्ट में कुछ बताया जाता है, उसको ध्यान से सुनिए, अपने काम की चीज़ों को नोट कर लीजिए, मुझसे शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये मैंने आपका बहुत समय ले लिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन सबको पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।